आज उलमा इकराम की मीटिंग रखी गई थी मुंबई नॉर्थ ईस्ट के गोवंडी इलाके में, क्या कहेंगे? लोग सब समाज के लोग साथ में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, जिस तरह से लोकशाही धोखे में आई है, तो हर समाज के, सिर्फ उलमा काउंसिल के लोग नहीं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो मागस वर्गीय समाज के लोग भी, मातंग समाज के लोग भी, राजपूत भी, अलग अलग राज्यों में सब संगठित हो रहे हैं। और एक लोगों में डर है कि इसी तरह से अहंकार करते हुए अगर उपेक्षाएं चलती रही तो हम सामाजिक स्तर के ऊपर काम करने वालों के हमारी अस्तित्व का क्या होगा। और जिस तरह से समाज में तिड़ा निर्माण करने का प्रयास जो अब की जो सरकारें कर रही है, और अगर आप देखेंगे कि लगातार बयान भी उनके जिस तरह से आ रहे हैं, तो जो लोगों में एक किस्म का, मैं डर नहीं कहूँगा, लेकिन एक किस्म की एक साशंकता है कि भाई ऐसे लोगों को रोकना ये हमारी ज़रूरत है, इसलिए वो आ रहे हैं, खुद होकर आ रहे हैं, और हम लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करने का काम किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, कल सभा हुई थी जहाँ पर आदित्य ठाकरे को देखा गया, काफ़ी तादाद में लोग थे। देखिए, आपने देखा होगा कि उद्धव जी के सभाओं में लोग को खुर्चियाँ कम पड़ती है, जबकि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों को खुर्चियाँ भरना भारी पड़ता है। देश के पंतप्रधान पूना में आते हैं और उनकी खाली खुर्चियों में भाषण करके चले जाते हैं। तो ये सब माहौल जब आप देखते थे, इसका मतलब ये कि लोगों का उत्साह इतना है कि लोग उनको सुनने आते हैं, सुनना चाहते हैं, और उनकी बात के ऊपर यकीन रखकर वो विश्वास रखने का काम करते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। आदित्य जी जिस आक्रोश से बात करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मुंबई की समस्याओं के बारे में क्या क्या उन्होंने, हमने किया क्या क्या, हम कर सकते थे, क्यों इन्होंने ये राजनीति करके इसको रोकने का काम किया, ये जब सब बातें करते तो लोगों को अपील होती है कि हाँ, ये कह रहे हो सही है। अच्छा सर, एक बार आपको बता पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उद्धव वाला साहब के साथ जो ठगी हुई है, जिस तरीके से दो सूचना को नकली और असली कर दिया गया, तो उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय तो वन साइड जो है वो उद्धव वाला साहब को सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर कैसे आप देखते हैं? सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, मागस वर्गीय समाज, मराठी समाज, सब अलग अलग तरीके के जात धर्म के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। जब वो उद्धव जी को देखते तो अपने आप को रिलेट करते कि अगर हमारे घर में भी अगर कोई अगर किराएदार आया और अगर वो कहने लगा कि बस हुआ, अभी ये घर मेरा है, तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई भी आएगा, कोई भी चला जाएगा घर की। इतनी साल की पार्टी, इतनी बड़ी सोच की पार्टी इस राज्य में, वो कुछ लोगों को शायद उनके बारे में शिकायतें भी रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को रहने के बाद भी जिस तरह से उनको तोड़ने का काम किया, उनकी निशानी लेके जाने का काम किया, और इतना ही नहीं, उनके पिताजी का नाम भी चोरने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त के ऊपर ये स्पष्ट है कि लोगों में रोष है, और रोष के प्रति ही लोगों का बड़ा पैमाने के ऊपर पाटिम्बा बोलो या बड़े पैमाने के ऊपर लोगों का प्यार, स्नेह और भावना ये होते बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह का मतलब इलेक्शन के टाइम पे देखा जाए कि जिस तरह ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, खास करके ये काफी यहाँ का इतिहास रहा है, काफी अच्छा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल खराब किया जा रहा है। ये पूरी तरह से इनको पता है कि अब की बार 400 पार की नैया हमारी पार नहीं होने वाली है, अब की बार ये तड़ी पार होने वाले, इसलिए ये समाज में तिड़ा निर्माण करने का काम करते हैं। जो देश के पंतप्रधान फख्र से जाकर कहते यूएई में जाकर मौलाना और मौलवी के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, और यहाँ आकर द्वेष करने का काम करते हैं, इसका मतलब ही ऐसा है कि इनको इसके 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 बजाय ही वोट का लेना है। जो देश के पंतप्रधान पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी के जन्मदिन के ऊपर जाते हैं, उसके पर किसी का आक्षेप नहीं, क्योंकि वो देश के पंतप्रधान दूसरे देश के, और आज यहाँ आकर अगर ऐसी बयानबाजी करते, इसका मतलब ही है कि उनको समाज में तिड़ा निर्माण करते हुए अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल के, आज जो घाटकोपर में हादसा हुआ, जिसके बाद संजय दीना पाटिल जो है खुद उस हादसे में पहुंचे और सारी जो सभाएं, जो मीटिंग्स थी, आज हम लोग ने एक निर्णय लिया कि सब सभाएं रद्द कर दी, क्योंकि जो हादसा हुआ बहुत ही दुर्दैवी है। एक मुंबई के बारिश में इतनी ऐसी बड़ा हादसा होना, ये नाकाम्य भी है महानगर पालिका। इतना बड़ा होर्डिंग क्यों नहीं उन्होंने, अगर वो खराब था तो क्यों नहीं उन्होंने किया? अगर इतना बड़ा होर्डिंग होता है तो कल बिल्डिंगें गिर जाएगी, इसका मतलब। तो कहने का मतलब है कि महानगर पालिका का दुर्लक्ष है, जो बैठे हुए बॉडी के ऊपर है उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से मलिदा खाने में मशरूफ है, लेकिन लोगों की समस्या देखने का काम किया नहीं जा रहा है। सर, दो दिन पहले मोदी जी ने महायुति के उम्मीदवारों को पार लगाने के लिए पीएम को दौरे का तौर पर देखा जा रहा है,
हमारे नेता ने ये कहा कि महाराष्ट्र की इतनी शक्ति है कि आपको हम रस्ते पे लेके आएंगे, और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी देश के पंतप्रधान को रोड शो करना पड़ रहा है मुंबई। इतने बड़े व्यक्ति को रोड शो करने आकर लोगों को मत मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर 10 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो क्यों आज उनको लोगों के घरों घरों में जाना पड़ रहा है? लोगों ने उनकी सराहना करनी चाहिए थी। इसका मतलब ही ऐसा है कि इनके यहाँ से इनको लोगों का प्यार भी नहीं मिल रहा है, वोट भी नहीं मिलने वाला है। इस अलग अलग तरीके से लोगों को बहकाने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी की कोई लहर अभी रही नहीं, इसीलिए मोदी जी लहर लाने के लिए उनको रोड शो करना पड़ रहा है, 8-8 सभाएं मुंबई में लेने पड़ रहे, कुल मिला के 28 सभाएं, मुख्यमंत्री उनके दो दो उप मुख्यमंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसका मतलब ही ऐसा है कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में इतने बड़े देश के नेता 38 सभाएं करती है, बाकी के राज्यों को छोड़कर उनको यहां आना पड़ रहा है, इसमें हमारी कामयाबी है। सर, आपकी सरकार थी और आपकी सरकार के काफ़ी MLA जो है टूट कर एक दूसरी शिवसेना में, फिर ऐसा हादसा ना हो इसके लिए आपने क्या इंतजाम कर रखा? देखिए, हम तो ईमानदार लोगों के साथ रह रहे, लोग नैतिक स्तर के ऊपर साथ में रहते हैं। जो लोग गए वो डीलर थे, जो रह गए वो अभी लीडर है, तो ये लीडरों को लेकर हम लोग पार्टी को कामयाब करेंगे। सर, मुंबईकर को वोट की अपील? मैं मुंबईकरों को वोट की अपील करता हूँ कि आप भारी मतों से, भारी ताजादों में आप आएँ, वो दिन उत्साह बोलकर साजरा करें, उत्साह बोलकर आप लोग देखें, छुट्टियाँ को बाजू में रखें, कोई अगर गांव वतन गए तो वो आने का कष्ट करे, क्योंकि ये अपने आगे की पीढ़ी को बनाने का ये इलेक्शन है। ये वाटर गटर मीटर के आगे हम एक इंसान के नाते से, एक भारत के एक नागरिक के नाते से, हमारे जो कायदा है, हमारी जो घटना है, उसको बचाने का इलेक्शन है। इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए, मैं ऐसा अपील करता हूँ, और इंडिया एयरलाइंस को साथ देना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। ये तो एक भाईचारे का प्रोग्राम है, ये भाईचारे का प्रोग्राम है, एक मिलन का प्रोग्राम था, इसी के इस मिलन के जरिए से लोगों में एक वोट देने की जागरूकता, जो कि वोट परसेंटेज को बढ़ाने का उनका अधिकार है, वोट देना उनका हमारा हक है, अधिकार है, तो उनको एक तरह से जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। कैसा रहा आज का जो प्रोग्राम था, कैसा रहा, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे? इसमें बहुत सारे उलमा, बहुत सारे सामाजिक जो सोशल वर्कर, बहुत सारे जो जिम्मेदार साथी हैं, आप देख ही रहे कि मतलब काफ़ी अच्छे, और लोगों में एक होड़ है, लोगों में एक जज्बा है कि आज की वोट जरूर करेंगे और अच्छी तरह वोट करेंगे। जिस तरह से लोग महरूम रहते थे कि वोट नहीं करते थे, सोते रहते थे, लेकिन अभी लोग जाग चुके हैं, अब दूसरों को जगाएंगे। इस साथ पिछले हफ्ते इसी हॉल के ऊपर उन्ना के नाम की मीटिंग थी, उन्होंने बहुजन पार्टी को सपोर्ट करने का कहा, तो आपको नहीं लगता कि इसी गोवंडी के अंदर उन्ना का आधा तबका उसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और आधा तबका किस दल को सपोर्ट कर रहा है, इसमें वोट नहीं बटेगा? देखो, उलमा है, उलमा के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, और वो हम उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। वोट बटे नहीं, उसके लिए क्या कर रखा आपने कि वोट बटे नहीं? इसी की मेहनत हो रही है, जो ईद मिलन प्रोग्राम और बहुत सारे जरिए से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वोट ना बटे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी नहीं, हर तरीके, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, ST हो, सब में एक होड़ है, और इंशाल्लाह सभी जो है एक अच्छी तरह से, इंशाल्लाह मशाल और उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में इंशाल्लाह विन करेगी, और आघाड़ी सरकार, इंडिया सरकार जो है, इंशाल्लाह वो वहाँ दिल्ली के अंदर इंडिया सरकार बनाएगी और पूरी बहुमत से बनाएगी, ऐसा हमें लगता है।